तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की खवातीन के लिए जो कि सर्फ की बचत करना चाहती है और अपनी न्यू वॉशिंग मशीन पे ये टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक ही सर्फ के अंदर जो है 2 से 3 दफा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आपकी सर्फ की बचत होती है, पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना जैविन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बिल्कुल आज के वक्त के मुनासिबत से, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है हर जगह, पेट्रोल की भी कीमत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। डॉलर और पेट्रोल की कीमत के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो दूसरे इंग्रीडियंट्स हैं जो इम्पोर्ट हो रही हैं, चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, उन सब पे जो है वो आपकी जो है कीमत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ड्यूटी वगैरह भी जो है, टैक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगने के बाद जो चीज़ आप परचेज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की खवातीन के लिए जो कि सर्फ की बचत करना चाहती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बिजली की बचत करना चाहते हैं आप लोग, और साथ के साथ जो है आप लोग जो है क्या चाहते हैं कि हम कपड़े भी धोएं, बिजली की बचत भी हो और साथ में सर्फ की बचत भी हो। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी थी, वो मेरी बहुत ओल्ड वीडियो थी जिस मैंने ओल्ड वॉशिंग मशीन में बनाई थी कि एक सर्फ को आप बार बार कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं अपने न्यू वॉशिंग मशीन पे ये टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो है आपने एक ही सर्फ के अंदर जो है 2 से 3 दफ़ा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आपकी सर्फ की बचत होती है, पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, हर तरह की बचत होती है। आप ये नहीं है कि आप हाथ से वॉश करेंगे, वॉश आपकी वॉशिंग मशीन ही करेगी, बस आपको निकालना और डालने का ही झंझट है, इसके अलावा कोई झंझट नहीं होता। और इस तरीके से थोड़े से ही अगर आप निकालने और डालने की मुश्किल उठा लें तो आपकी सर्फ की बचत भी होगी और आपके बिजली की बचत भी होगी और पानी की बचत भी होगी, जो कि आज के मुनासिबत से बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन से बिल्कुल दूर रहिएगा क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास है। अब तो जो है क्या कहते हैं, क्लास ही चेंज हो गई है, अब अमीर क्या गरीब क्या, अब हर कोई जो है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं से हम बचत कर लें। तो मैं अपने चैनल के थ्रू जहाँ से बचत करवा सकती हूँ मैं जो है ज़रूर जो है कोशिश करती हूँ। आप मेरे से पहले डिटर्जेंट की वीडियो भी दे सकते हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप डिटर्जेंट सबसे पहले जो है आप सेफ बचत कर सकते हैं। लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी को मिक्स करके मैं जो है एक डिटर्जेंट बना लेती हूँ इजिली, जिससे आप कपड़े बहुत अच्छे आपके साफ हो जाते हैं और आपकी वॉशिंग मशीन को भी बिल्कुल किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जो है अब मैं आपको जो बताऊंगी कि आप एक ही सर्फ को बार बार किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है कपड़े भी आपके बिल्कुल साफ वॉश होंगे, ऐसा नहीं है कि कपड़े गंदे वॉश होंगे, आपके कपड़े भी साफ वॉश होंगे, आपकी सर्फ की बचत भी होगी और आपकी पानी की भी हो और साथ के साथ बिजली की भी। तो बस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने टाइम की बचत करने के लिए मैंने इसमें ऑलरेडी जो है वो व्हाइट कपड़ों का जो घान है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, व्हाइट कपड़ों का घान डाल दिया है और पानी भी मैंने इसके अंदर जो है वो भर लिया है। अब जो है इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो ऊपर से पानी डालने की बनाई थी, तो मैंने ऊपर से पानी इसके अंदर पाइप के थ्रू डाला है और मैंने यहाँ बिजली की बचत कर ली है। अब मैंने क्या कर लिया है कि सबसे पहले मैंने व्हाइट कपड़ों का खान इसके अंदर डाला है, सर्फ डाल दिया है मैंने सॉक के अंदर और अब मैं इस मशीन को करने लगी हूँ स्टार्ट। व्यूअर मेन स्विच मैंने ऑन कर दिया है, मैं अब मशीन का पावर बटन ऑन कर रही हूँ। पावर बटन ऑन करने के बाद मैंने हैवी फंक्शन पर जो है, मैं सारे अपने जो नॉर्मल वॉशिंग करती हूँ वो मैं हैवी फंक्शन पर करती हूँ क्योंकि इसका वॉश टाइम ज़्यादा होता है और वॉश टाइम ज़्यादा होने के साथ साथ आप इसके वॉश टाइम को रिपीट भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है वो कपड़े साफ हो जाते हैं। तो वाटर लेवल मैंने मिड रखा है, मैंने जो है डिटर्जेंट अपने अकॉर्डिंगली डाल दिया है और अब मैं ये स्टार्ट का बटन दबा दिया है। स्टार्ट का बटन दबाकर जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि मशीन को मैंने ऑलरेडी जो है वो बचत कर दी थी पानी की, मैंने ऊपर से डाल दिया था, लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो मशीन बस थोड़ा सा पानी लेती है फिर उसके बाद अपना वॉश जो है वो स्टार्ट कर देती है। ये देखें मशीन अपना वॉश साइकिल जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये अभी हमारा फर्स्ट कान जो है इसके अंदर वॉश हो रहा है, यानी कि वाइट कपड़े जो हैं वो हमारे वॉश हो रहे हैं। वाइट कपड़ों के बाद फिर हम अपना सेकेंड डालेंगे और उसके बाद फिर थर्ड डालेंगे, यानी कि एक ही सर्फ को हम 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से हम जो है ये वॉश, रिंस और स्पिन एक ही सर्फ के अंदर तीनों किस तरीके से करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इस वजह से मैं सिर्फ बीच बीच में थोड़े से सीन ले लूँगी। Thank you.
व्यूअर्स देखा अभी आपने कि ये हमारा फर्स्ट वॉश साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं दोबारा जो है मशीन को ऑन करूँगी, हैवी फंक्शन पर लेकर जाऊँगी। और चूंकि मैंने एक सर्फ को जो है 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से मैं फिर से दोबारा से वॉश ओनली फंक्शन प्रेस कर दूँगी और मशीन का बटन मैं स्टार्ट कर दूँगी। हमने सर्फ के अंदर क्वांटिटी जो है बिल्कुल ठीक डाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ना ज़्यादा झाग है और जो है पानी भी अच्छा है और कपड़े भी बहुत अच्छे से जो है वो साफ होंगे, क्योंकि खुले पानी में कपड़े जो है बहुत अच्छे से साफ होते हैं, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। व्यूअर्स हमारा जो है वो 2 टाइम वॉश साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा वाइट कपड़ों का घान है इसे हम बाहर निकालेंगे और इसके अंदर हम अपने दूसरे कपड़ों का घान डालेंगे इसी सर्फ के अंदर। तो चलिए आइए, आपने सबसे पहले करना क्या है, इसकी आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी। देखिए आप, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल भी ज़्यादा हो गया है, बिजली भी, और उसके साथ साथ जो है डॉलर भी, और बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं वो सब महंगी हो गई हैं। तो आपने हर तरह से जो है वो बचत करनी है, चाहे वो सर्फ की है, पानी की है, बिजली की है, कहीं से भी आपने बचत करनी है, जहाँ तक आप मुमकिन हो सके ज़रूर करें। और इससे पहले जो व्यूअर्स जो है क्या कहते हैं बोलते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का क्या फ़ायदा, फिर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते ही क्यों हैं, इस तरह के कमेंट करने वाले प्लीज़ अवॉइड करें कमेंट करने से, और वो दूर रहें, क्योंकि ये जिन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए। तो व्यूअर्स, पहला घान व्हाइट वाला निकालने के बाद मैंने इसके अंदर जो दूसरा घान डाला है वो मैंने अपने बच्चों के कपड़े डाले हैं। और ये मैंने बच्चों के कपड़े इसलिए डाले हैं क्योंकि फर्स्ट घान जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, उसमें ज़्यादा गंदा पानी नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें जो सेकेंड घान आपने धोना होता है वो वाला घान धोना होता है जो ज़्यादा गंदा ना हो, यानी कि पानी काला ना हो। तो आप इसमें फर्स्ट घान व्हाइट कपड़ों के धोने के बाद आप बेडशीट वगैरह भी वॉश कर सकते हैं। अगर वो मेरे पास अभी वो वॉश हुई हुई थी नहीं थी, तो मैंने दूसरे घान में बच्चों के कपड़े डाल दिए, ताकि के कपड़े जो थोड़े से गंदे होते हैं और उन्हें साफ पानी में ही वॉश करना चाहिए, तो व्हाइट कपड़ों के बाद ये साफ पानी होता है, इस वजह से मैंने बच्चों के कपड़े डाले। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा डालना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये डिटर्जेंट कम है, आपको इन कपड़ों के लिहाज से और डिटर्जेंट डालना चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ करने लगी हूँ। तो व्यूअर्स, इसमें मैं थोड़ा सा और डिटर्जेंट डाल रही हूँ, यानी कि पहले से आपके पास डिटर्जेंट मौजूद है, लेकिन चूंकि मशीन से हमने कपड़े निकाले हैं तो मशीन पानी और लेगी, तो हमारा जो डिटर्जेंट इसके अंदर मौजूद है वो कम हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा और डिटर्जेंट डाल दें। तो मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैंने डाल दिया। मेन स्विच हमारा ऑन है, पावर बटन ऑन करने के बाद मैंने हैवी फंक्शन पे लेके गई हूँ, और वॉश ओनली मिड हमारा जो है वाटर लेवल है, और मैंने मशीन कर दी है स्टार्ट। अब इस तरीके से मशीन जो है वो थोड़ा सा पानी लेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है, और उसके बाद वॉश हो जाएगी। इसको भी मैं 2 टाइम रिपीट करूँगी, वॉश टाइम आप 2 टाइम रिपीट करें तो ही कपड़े बहुत अच्छे से साफ होते हैं। व्यूअर्स, मेरा जो सेकंड घान था जो मैंने इसके अंदर डाला था, वो मेरा 2 दफ़ा वॉश हो चुका है, तो मैं अब उसे निकालने लगी हूँ। लेकिन अब ये जो मैंने बच्चों के कपड़े जो डाले थे दूसरे घान के अंदर, ये मैं इन्हें निकाल रही हूँ। दूसरे घान के कपड़ों को आपने वाइट कपड़ों के घान से बिल्कुल अलग बकेट में रखना है, इसलिए ताकि एक दूसरे के ऊपर कलर ना आ जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एहतियात की, है, आप लाजमी सुना करें और इस पर लाजमी अमल किया करें। इस तरीके से आपके कपड़े चूँकि गीले हैं, इनके रंग कच्चे हैं, बेशक इनके रंग नहीं निकलेंगे, लेकिन वाइट कपड़ों के साथ अगर गीले ही आप रख देंगे तो फिर एक दूसरे के ऊपर कलर आ सकता है। Thank you.
तो भी बस देखा आपने, हमने दूसरा घन अलग बकेट में निकाल लिया है। अगर कैमरा यहाँ आए तो आप देखें कि ये पानी अभी भी इतना काला या इतना गंदा नहीं हुआ है। ये सर्फ वाला, इसको आप तीसरी दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तीन दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद चौथी दफ़ा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, और उस बहुत ज़्यादा पानी अगर काला हो जाएगा तो वो कपड़े फिर साफ नहीं करेगा। इसमें अभी आप तीसरा घन डाल सकते हैं, तो जो कि मैं अब डालने लगी हूँ। मैंने ये अब मैं तीसरा घन डाल रही हूँ। ये मैं हमने हस्बैंड के कैजुअल वेयरिंग के ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह डाल रही हूँ। ये इस तरह के कलर हैं कि ये पानी का, अगर पानी के अंदर थोड़ा बहुत कलर भी आया हो तो ये डार्क कलर्स वाले होते हैं, जब आप वॉश कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर कलर नहीं आता। तो आपने कपड़े धोते हुए कलर्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ होता है, जो कि मैं यहाँ रख रही हूँ। अच्छा, ये कपड़े कम है, मीडियम में ही हम जो है वॉश कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम जितने ड्रम के अंदर हमारे कपड़े आ जाते हैं इतने कपड़े हैं। अगर आपके ज़्यादा हैं तो बेशक आप हाई या मैक्सिमम कर सकते हैं वाटर लेवल। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अब तीसरा घन डाल दिया। मैं इसके अंदर ऊपर से पानी डाल रही हूँ ताकि पानी जल्दी भर जाए ड्रम, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत हो, क्योंकि हमने इसमें से दूसरा घन निकाला था तो इस वजह से हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा। अब कपड़े दूसरे ऐड करे हैं तो इसमें हम क्या करें, सिर्फ थोड़ा सा और हम इसमें डिटर्जेंट डाल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमने बच्चों के कपड़ों में लिया था, उसमें यूज़ हो गया, तो आपने सिर्फ थोड़ा सा और डालना है। इसमें इतना ज़्यादा नहीं डलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सर्फ वगैरह है, तो आपने बिल्कुल ज़रा सा यूज़ करना है, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा डाला है तो जाहिर सी बात है आपने एक्स्ट्रा डिटर्जेंट भी डाला है। और अब मैं मशीन को पावर बटन ऑन किया, मेन स्विच हैवी पर, वॉश ऑनली पर, मीडियम में स्टार्ट कर दिया। चूँकि ड्रम इसका मीडियम से थोड़ा सा अबव था, इस वजह से बहुत जल्दी है, ये देखें वॉशिंग मशीन में स्टार्ट हो गई। अब ये जो कपड़े हैं, ये तीसरा घन है और ये लास्ट घन है, इसको भी मैं दो टाइम जो है वॉश टाइम मैं इसका रिपीट करूँगी। टू टाइम्स जब इसका वॉश टाइम रिपीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको इसको निकालना नहीं है, इसको इधर ही रेंज और स्पिन पे लगा देंगे। कैसे, वो आप बस वीडियो देखते रहिए। आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जो है वो झाग भी बन रहा है, और कपड़ों के लिए पानी भी बिल्कुल परफेक्ट है, और बहुत अच्छे से कपड़े जो हैं वो वॉश हो रहे हैं। व्यूअर्स, हमारा फर्स्ट टाइम जो है वो वॉश मशीन कर चुकी है, अब हम क्या करने लगे हैं। अब ये काबिले गौर है ये बात कि अब मैं वापस इसे हैवी फंक्शन पर लेकर जाऊंगी। हैवी फंक्शन पर लाकर आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल मीडियम है, रिंस टू टाइम और स्पिन सिक्स टाइम, और वॉश रिंस स्पिन तीनों साइकिल जो हैं आपके वो एक्टिव होंगे। और आपने चूँकि अब इसके बाद ये थर्ड टाइम था, इसके बाद तो हमने कपड़े इसके अंदर सर्फ को और ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये सर्फ, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये सर्फ काला पानी हो गया है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बस अब बहुत हो गई है कि जो है क्या कहते हैं, तीन दफ़ा इस सर्फ के अंदर हमने कपड़े जो है वॉश कर लिए हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि बस अब ये जो है ड्रेन आउट हो जाए ये सारा पानी, और उसके बाद साफ़ पानी होगा, और साफ़ पानी भी जो है हम ऊपर से रिंस के लिए डालेंगे। लेकिन जब मशीन रिंस के लिए पानी लेगी तो हम पाइप लगाकर दोबारा इसके रिंस के लिए जल्दी से ड्रम भर देंगे, ताकि हमारी बिजली की बचत भी हो और पानी की बचत भी। ये हमने स्टार्ट कर दी है, ये सेकेंड टाइम वॉश कर रही है, और फिर हम मिलते हैं इसके वॉश प्रोसेस के कम्प्लीट होने के बाद। बस ये देखें, मशीन जो है हमारी सर्फ सारा निकाल चुकी है, उसके बाद अब ये रिंस पर आ चुकी है, रिंस के लिए पानी ले रही है। तो मैं यहाँ मशीन को करने लगी हूँ पॉज, और मैं इसमें ऊपर से पानी डालूँगी पाइप से। अब मैं इसमें ऊपर से पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा ड्रम जो है वो जल्दी से जो है भर जाए। मीडियम लेवल तक के लिए मैंने इसको जो है यहाँ तक जो है ड्रम को भरना है पानी से।
व्यूवर्स, मैंने ऊपर से पानी डालकर जो है ड्रम मैंने अपना इंक्रीज़ कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, अब ये देखेंगे हमारा पॉज हुआ वाला सब पूरा प्रोसीजर। जस्ट स्टार्ट का बटन दबाऊंगी और अब ये रिंस जो है आप ये देख सकते हैं ये सेकंड टाइम रिंस हो रहा है। इसी ठीक इसी तरीके से मैं वन टाइम रिंस जब सेकंड टाइम रिंस करूँगी तब भी मैं इसी तरीके से पानी डालूँगी और फिर डायरेक्ट ये स्पिन पर चली जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं जो है क्या कहते हैं इतना प्रोसेस नहीं कर रही, लेकिन एक आइडिया आपको जाते हुए दे सकती हूँ वो ये कि अगर आप पानी की और ज़्यादा बचत करना चाहते हैं तो आप रिज़र्व वाटर भी जो है अपना प्रेस कर सकते हैं फंक्शन। वाटर रिज़र्व में क्या होगा कि जब सेकेंड टाइम रिंस हो रहा होगा तो वो पानी आपका ठहर जाएगा, वो कपड़े निकाल के आप उसमें दूसरे कपड़े डाल के उसी पानी में आप जो हमने पहले सर्फ वाले कपड़े निकाले हुए हैं वो भी डालकर आप उन्हें जो है रिंस आउट कर सकते हैं, पानी ज़ाया नहीं होगा। लेकिन मैं इस तरह से नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लहंदी हो जाएगी, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पर यह है कि रिंस हो जाएंगे, रिंस होकर स्पिन हो जाएंगे और फिर सेकेंड गान जो जस्ट हम रिंस और स्पिन पर लगाएंगे। अब वॉशिंग मशीन के अंदर मैं अपना दूसरा घान डालने लगी हूँ और इसमें मैं बताऊँगी कि रिंस और स्पिन का तरीका आपने कैसे करना है। ये पॉइंट आपने बहुत ज़रूर नोट करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। कपड़े चुके पहले रिंस होंगे उसके बाद जाके स्पिन होंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है खोल खोल के डालें, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अब मशीन का करने लगे हैं हम स्विच, मेन स्विच ऑन देन पावर बटन ऑन। अब आपने क्या करना है कि हैवी पर ले जाकर मैं इसको रिंस और स्पिन पे लेकर आ रही हूँ। जो है वाटर लेवल मीडियम, रिंस टू टाइम, 6 मिनट स्पिन टाइम और रिंस और स्पिन फंक्शन। अब आपने क्या करना है, मशीन का बटन कर देना है स्टार्ट। अब क्या होगा, सबसे पहले मशीन क्या करेगी, वो स्पिन करेगी क्योंकि जो इसके अंदर पानी रह गया था सर्फ का डिटर्जेंट का, सबसे पहले वो निकलेगा, उसके बाद जो है वो रिंस के लिए पानी लेगी मशीन। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जब सेंटर के राउंड अबाउट कपड़े रखे हैं तो बिल्कुल भी मशीन वो स्पिन के दौरान बिल्कुल भी नहीं अटकी है। तो व्यूअर्स, टिप इस वीडियो की ये है कि जब आप इसे रिंस और स्पिन पे लगाएंगे, जब ये जो स्टेज है जब रिंस के लिए मशीन पानी लेती है तब आपने क्या करना है, मशीन पे करना है पॉज और अब आप जो है इसके ऊपर से पानी डालेंगे। अगर आपने क्या किया होता, अगर आप इसको पहले पानी डाल देते फिर आप रिंस और स्पिन का फंक्शन सेलेक्ट करते तो मशीन के अंदर जो आपने पहले से पानी डाला है वो सारा मशीन ड्रेन आउट कर देती, इसलिए पहले आपने पानी नहीं डालना। आपने इस मशीन को पहले पानी लेने देना है और फिर इसके प्रोसेस को पॉज करना है और उसके बाद आपने ऊपर से पानी डालना है।
दूसरा कान भी हमारा यहाँ स्पिन हो चुका है। अब हम सबसे पहले आप कपड़े निकालने से पहले मेन स्विच ज़रूर ऑफ़ किया करें ताकि जो है आपको अर्थ लगने का बिल्कुल ख़तरा ना हो। ये अब मैं बकेट में निकालने लगी हूँ, ये हैंग होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये है व्यूवर्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप एक सर्फ़ को 3 दफ़ा किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके आप कितने जो है कपड़े आप इसमें वॉश कर सकते हैं। जैसे कि आप हैंग होते हुए देख रहे हैं कि मेरे बच्चों के कपड़े, वाइट कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े, ये 3 खान मैंने एक ही सर्फ़ में जो है वॉश किए हैं। और आप इन कपड़ों को देख भी सकते हैं कि ये कह दें कि जी कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए या साफ़ वॉश नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो वॉश हुए कपड़े, बिल्कुल भी जो है क्या कहते हैं कलर नहीं चढ़ा है। और जो है ये डार्क कपड़ों को भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे साफ़ हुए हैं, हैंग होते हुए धुलने के बाद ही नज़र आ जाते हैं कि साफ़ हुए हैं। और चूंकि मैंने इसमें सैंड बूस्टर वगैरह और अगर आप वो जो कंडीशनर, फैब्रिक कंडीशनर वो यूज़ करें तो खुशबू बहुत अच्छी आती है कपड़ों पे, बहुत ज़बरदस्त जो है कपड़ों पे फ्रेगनेंस आ रही होती है, बिल्कुल भी सर्फ की नहीं आती। और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हुए हैं। ये जो लास्ट खान था आप ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वॉश नहीं हुए, गंदे हैं, मैले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये शर्ट देख सकते हैं कि इसमें वाइट कलर कितना ज़बरदस्त वाइटन है, कोई मैला नहीं नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो स्ट्रिप्स हैं वाइट, वो बिल्कुल वाइट ही नज़र आ रही हैं। और ये कलर्ड कपड़ों को भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त जो है वो वॉश हुए। तो ये थी व्यूवर्स हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी कि आप एक ही सर्फ को 3 दफ़ा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे कपड़े वॉश कर सकते हैं और पानी की बचत भी आप साथ के साथ कैसे कर सकते हैं और बिजली की बचत। ये आज के दौर की थी कि बचत ही बचत, कितनी बचत आप कर सकते हैं। तो व्यूवर्स जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और साथ के साथ बेल आइकन भी क्लिक करते रहें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे मेरे चैनल की। न्यू वीडियो अपलोड मैं करती रहूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।